एडमिशन ओपन नाउ माउंट एरा कॉन्वेंट स्कूल क्लास नर्सरी टू एट इंग्लिश मीडियम बेस्ट फैकल्टी मेम्बर्स ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स आई केयर ट्रेंड टीचर्स मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर्स वेन फैकल्टीज एवेलेबल बिग प्लेग्राउंड पैडाकॉजिकली डिज़ाइंड करिकुलुलम सीसीटी वी सर्वाइलेंस इन ऑल क्लासेस एड्रेस नियर यमुना प्रसाद शास्त्री मूक बधीर स्कूल तोपखाना रीवा मध्य प्रदेश नमस्कार मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स लोकसभा क्षेत्र रीवा में किसी प्रमुख दल द्वारा पहली बार महिला प्रत्याशी उतारे जाने के बाद लोगों में खास तौर पर महिलाओं में व्यापक उत्साह देखने को मिल रहा है कांग्रेस प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा के क्षेत्र में पहुंचने पर स्वागत के लिए जनसमुदाय का सैलाब उमड़ रहा है इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा ने कहा कि जिस तरह से पहले दिन ही आप लोगों का जिस प्रकार से प्यार और स्नेह दिखाई दे रहा है उससे मैं खुद अभिभूत हूँ और आपके इस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगी उन्होंने कहा कि जिस प्रकार आप इकट्ठे हुए हैं और समर्थन दे रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि रीवा की राजनीति में नए सूर्य का उदय हो रहा है वहीं महिलाओं में इस बात की खुशी दिखाई दी कि पहली बार किसी बड़े दल ने महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारकर महिला सशक्तिकरण के बारे में अपनी प्रतिबद्धता जताई है इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी मिश्रा ने कहा कि चुनाव हर पांच साल में होते हैं, लेकिन इस बार का लोकसभा चुनाव अपने आप में महत्वपूर्ण है रीवा के हर व्यक्ति को इस बार बहुत ही गंभीरता और समझदारी के साथ निर्णय लेना है वैसे भी रीवा की जनता अच्छे और बेहतर निर्णय लेने के लिए जानी जाती है उन्होंने कहा कि रीवा लोकसभा क्षेत्र की जनता को पिछले दस सालों में ठगने का काम किया गया है हर जगह भ्रष्टाचार और लूट को बढ़ावा देते हुए स्वयं भी भाजपा के नेता शामिल हैं जो उनका विरोध करता है उसके खिलाफ किसी न किसी तरह की साजिश कर परेशान करवाया जाता है जनता परेशान है जनता की गाढ़ी कमाई का खुला दुरुपयोग किया जा रहा है इस दौरान उन्होंने सेमरिया विधानसभा क्षेत्र के गंगहरा मनकहरी इटहा खैर भिटवा अंबा बहुरीबाध पुरैनी बमहौरी रहट सोनौरी मरहा पैपखरा सुमेदा कचूर मधेपुर जोन्ह भोलगढ़ बैजनाथ आदि गांव का भ्रमण किया लोगों से संवाद भी किया इस दौरान सभी को अस्वस्थ किया कि वह उनके साथ हर पल हैं और अत्याचार की लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगी कांग्रेस प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा के पक्ष में चुनावी प्रचार अभियान के दौरान सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने भ्रमण अभियान के दौरान होली के पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जिस प्रकार होली का त्योहार सामाजिक समरसता वाला है इस तरह राजनीति में भी राजनीतिक सुचिता और समरसता होनी चाहिए भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस पार्टी के नेता जो भी बोलते हैं ठीक उसका उल्टा करते हैं सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देने वाली भाजपा ने आज पूरे भारत को अलग अलग धर्मों और जातियों के बीच एक खाई बना दी है और आपस में ही लड़वा कर अपना उल्लू सीधा कर रही है ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है इन्होंने आगे कहा कि पूरे लोकसभा क्षेत्र में जिस तरह भ्रष्टाचार हुआ है उसको देखने के बाद मैं खुद अचंभित हूं। पार्टी के चाहे वह सांसद हो अथवा अन्य नेता उनकी कमाई की पोल खुल रही है जब आप स्वयं देखेंगे तो यह लगेगा कि आम जनता की कमाई और टैक्स का पैसा किसकी जेब में जा रहा है इसलिए अब आपको रीवा इनसे लुटने से बचाना है इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व के प्रति आभार जताते हुए कहा कि पहली बार कांग्रेस ने किसी महिला को आगे लाते हुए अपने महिला सशक्तिकरण के एजेंडे की सार्थकता सिद्ध की है क्षेत्रीय जनसंवाद कार्यक्रम के तहत सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने मनगवा विधानसभा क्षेत्र के मढ़ना खर्रा मनकहरी लौरी अमहा पडुआ गढ़ परासी अगडाल सिंगरवार कुर्मियान मोहरिया कुशाहहा आदि गांवों में भ्रमण किया इस दौरान इन्होंने कहा कि जिस तरह से जन समर्थन दिखाई दे रहा है निश्चित तौर पर रीवा लोकसभा क्षेत्र की जनता राजनीति की कई इबारत लिखेगी इस बार का लोकसभा चुनाव जनता खुद लड़ रही है ऐसा मुझे अभी से महसूस होने लगा है एडमिशन ओपन नाउ माउंट एरा कॉन्वेंट स्कूल क्लास नर्सरी टू एट इंग्लिश मीडियम बेस्ट फैकल्टी मेंबर्स ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स आई केयर ट्रेंड टीचर्स मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर्स वेन फैकल्टीज अवेलेबल बिग प्ले ग्राउंड पैडाकॉजिकली करिकुलम सीसी वी सर्वाइलेंस इन ऑल क्लासेस एड्रेस नियर यमुना प्रसाद शास्त्री बधिर स्कूल तोपखाना रीवा मध्य प्रदेश